અમદાવાદ ખાતે ભાર્ગવ રોડ થી રાજસ્થાન સુધીની સુંધા માતાની પગપાળા યાત્રાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો, જેમાં આ યાત્રામાં 500 થી 600 લોકોએ પગયાત્રીઓએ આ આખા કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. યાત્રા બંગલા એરિયા ગોબીનગર બંગલા એરિયા સ્વામી હરનામદાસ સોસાયટી ઓર ભાર્ગવ રોડ વહાં સે નિકલતી હૈ. ये पग यात्रा को निकले हुए आज 9वां साल है. 8 साल परिपूर्ण कर चुके हैं माता जी के आशीर्वाद से. ये 9वां साल है. ये पग यात्रा का आश्रय किलोमीटर 300 है और इसमें यात्रियों की संख्या 150 से 200 होती है पहले दिन. फिर जैसे दिन छिले एक दो दिन रहते हैं तो विस्तार से काफ़ी संख्या में लोग आ जाते हैं, दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं. हमारा उपयोग एक ही है कि हम होली के दिन माता जी के दजा चढ़ावे, पूनम के दिन दजा चढ़ाते, उद्देश्य यही है. और सबका सबको यात्रा का मौका मिलता है. हर एक की मन की मनकामना जो होती है माता जी के आके रखते हैं, पूर्ण भी होती है, समझा. और माँ का आशीर्वाद मिले, अच्छा साल परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, विस्तार के लिए, समाज के लिए अच्छा जावे. माँ से आशीर्वाद ही मांगते हैं कि हम जिंदगी में खुश रहें और समाज का भला करें, समाज का विस्तार का, क्योंकि मैं माजी काउंसलर हैं. मैं जो समाज में सोचना है, विस्तार सोचना है, आज विस्तार में जितने समाज हैं वो मेरे पारिवारिक हैं, क्योंकि 40 साल मेरे पिताजी काउंसलर रहे थे, 18 साल मैं रहा हूँ, अब मेरा भाई है रनिंग में. ये यात्रा में कितने पदयात्री हिस्सा ले रहे हैं? 140 आज आगे जाके मेहसाणा से जुड़ेंगे, कड़ी से जुड़ेंगे, कलोल से जुड़ेंगे, पालनपुर से जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है इनका संघ निकलता है. जहाँ जहाँ हमारा दिन का रहने का ठिकाना होता है, यहाँ रात का रहता है, पर वहाँ से दो तीन जुड़ाते जाते हैं.